तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा माइनक्राफ्ट गेम पे अपने फ्रेंड को कैसे आप ऐड कर सकते हो, माइनक्राफ्ट गेम पे अपने फ्रेंड को कैसे आप ऐड कर सकते हो फोन से, और गाइस उसके बाद काफ़ी आसानी से अपने माइनक्राफ्ट गेम पे अपने फ्रेंड को ऐड करने के बाद कैसे आप खेल सकते हो। इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप पूरा डिटेल मैं आपको दिखाऊंगा ताकि आप काफ़ी आसानी से अपने फ्रेंड के साथ माइनक्राफ्ट गेम आप खेल पाओगे। तो चलिए गाइस वीडियो को शुरू करते हैं, देखते हैं माइनक्राफ्ट गेम पे अपने फ्रेंड को ऐड कैसे किया जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं नाम राकेश, आप देख रहे हैं स्टार्ट गुरु यूट्यूब चैनल। तो चलिए गाइस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों माइनक्राफ्ट गेम पे अपने फ्रेंड के साथ खेलने के लिए क्या क्या रिकमेंड है ये भी मैं आपको बताऊंगा आगे का वीडियो में। और दोस्तों सबसे पहले आपको माइनक्राफ्ट गेम पे अपने फ्रेंड को ऐड करने के लिए सबसे पहले अपना फ्रेंड का जो आईडी है ये आपको जानकारी आपको होना चाहिए। तो सबसे पहले अपने फ्रेंड का जो भी प्रोफाइल है, वो जो प्रोफाइल आईडी है वही आपके जो गेम का ही आईडी है, ठीक है। तो वो जो गेम का आईडी, जैसे दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे फ्रेंड के इस लेफ्ट साइड में जो भी आप देख सकते हो यहाँ पर प्रियंका 999, ये जो है हमारा फ्रेंड का आईडी है। तो यही आईडी को हम सिंपली सर्च कर लेंगे, हमारा माइनक्राफ्ट गेम को ओपन करेंगे। लेकिन दोस्तों आईडी सबसे पहले हम लोगों को क्रिएट करना पड़ेगा, तभी तो जाके हम लोगों को आईडी मिलेगा। लेकिन दोस्तों आईडी कैसे क्रिएट करते हैं आगे का वीडियो में हम देखेंगे। और गाइस अगर आपने ऑलरेडी आईडी क्रिएट कर चुका हो, अगर आपके पास ऑलरेडी आईडी है तो आप इस वीडियो को थोड़ा सा कट कर सकते हो। लेकिन दोस्तों आपने अभी तक भी आईडी क्रिएट नहीं किया हो तो आप सिंपली इस वीडियो को देखते रहिए। और दोस्तों आईडी क्रिएट करने के बाद वही जो आईडी है आईडी को लेकर सिंपली हम माइनक्राफ्ट गेम पे सर्च करेंगे और उसके बाद उनके पास फ्रेंड रिक्वेस्ट हम सेंड करेंगे और काफी आसान से वो जो फ्रेंड है अपने फ्रेंड लिस्ट में ऐड हो जाएगा। तो दोस्तों फोन से माइनक्राफ्ट गेम पे अपने फ्रेंड को ऐड करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर हम माइनक्राफ्ट गेम को ओपन करेंगे और यहाँ पर प्ले पे हम लोग क्लिक करेंगे। प्ले पे क्लिक करते हैं यहाँ पर आप लोगों को साइड में आपको फ्रेंड का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। फ्रेंड पे हम लोग क्लिक करेंगे और यहाँ पर नीचे आपको ऐड फ्रेंड पे हम क्लिक करेंगे। तो दोस्तों ऐड फ्रेंड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर साइन करना पड़ता है। जैसे दोस्तों मैंने आपको बोला है यहाँ पर आईडी को क्रिएट करना होता है फर्स्ट टाइम अगर अपने फ्रेंड को ऐड कर रहे हो। तो दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पर साइन पे क्लिक करेंगे और माइक्रोसॉफ्ट का जो अकाउंट है यहाँ पर कनेक्टिविटी होता है और यहाँ पर सबसे पहले हम लोग को यहाँ पर साइन का ऑप्शन मिल जाता है। फिर से हम लोग यहाँ पर साइन पे हम लोग क्लिक करेंगे और दोस्तों साइन पे क्लिक करने के बाद हम लोग यहाँ पर कुछ मेरे केस में ऐसा कुछ डेट ऑफ बर्थ कंट्री यहाँ पर सिलेक्ट करने के लिए बता रहा है, तो मैं फटाफट इसको मैं फिल कर देता हूँ और इसके बाद सिंपली हम नेक्स्ट में क्लिक करेंगे। और दोस्तों यहाँ पर मोबाइल नंबर यहाँ पर कॉन्फर्म करने के लिए बता रहा है और डेट ऑफ बर्थ भी कॉन्फर्म करने के कॉन्फर्म कर दिया हूँ। अभी वेरीफाई योर ईमेल एड्रेस ईमेल, तो हमारा जो भी जीमेल आईडी है ईमेल आईडी उसमें वेरीफाई करेगा। तो ईमेल आईडी पे एक वेरीफिकेशन कोड हम लोग को सेंड किया है, तो उसी वेरीफिकेशन कोड को लेकर सिंपली हम यहाँ पर दे देंगे और सिंपली उसके बाद हम नेक्स्ट में क्लिक करेंगे तो हमारा जो भी जीमेल आईडी है ये वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है। तो गाइस ये फर्स्ट टाइम इसको आईडी बनाने के लिए ये करना होता है। तो गाइस सबसे पहले यहाँ पर ये सब मैंने कर लिया हूँ और गाइस इसके बाद फाइनली हम लोगों को यहाँ पर माइनक्राफ्ट गेम पे हम लोग को यहाँ पर आईडी बनाने का ऑप्शन यहाँ पर दे देता है। तो गाइस मैं फटाफट यहाँ पर एक आईडी बना लेता हूँ, जैसे कि दोस्तों बोला हूँ फर्स्ट टाइम पर आईडी क्रिएट करना होता है। तो गाइस यहाँ पर नीचे देख सकते हो कुछ जो कि गेमर टैग आईडी यहाँ पर सजेस्ट कर रहा है, लेकिन फिलहाल मैं यहाँ पर टाइप करके गेमर टैग जो आईडी है बनाऊंगा। तो यहाँ पर प्रियंका 99 मैंने दिया हूँ, अगर आईडी अवेलेबल है तो हम लोग यहाँ पर राइट चिन्ह हम लोग को देखने को मिलेगा जहाँ पर यहाँ पर क्रॉस लिखा है, लेकिन अभी यहाँ पर क्रॉस है तो आईडी अवेलेबल नहीं है, तो हम लोग को थोड़ा घुमा फिरा के चेंज करना पड़ेगा। तो मैं और भी 299 दे देता हूँ। फाइनली दोस्तों यहाँ पर राइट चिन्ह हो चुका है, नीचे लेफ्ट गो का ऑप्शन आ चुका है और प्रोफाइल में कुछ एक इमेज भी आप यहाँ पर जो भी इमेज है ऊपर में आप देख सकते हो, काफ़ी सारा हम लोग को इमेज मिल जाता है। तो अपना जो भी इमेज आपको पसंद आता है तो उसी इमेज को आप सिंपली आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। वैसे दोस्तों मेरे को इस इमेज को रहने देता हूँ। अब इसके बाद नीचे जो भी आईडी है उसके बाद नीचे लेफ्ट गो पर हम लोग क्लिक किया हो और लेफ्ट गो पर क्लिक करते ही हमारा ये जो आईडी है हम लोग को बन जाता है, क्रिएट हो जाता है। और एक बार हम लोग यहाँ पर लेफ्ट गो पर हम लोग क्लिक करेंगे और दोस्तों लेफ्ट गो पे हम लोग को क्लिक करने के बाद फाइनली यहाँ पर माइनक्राफ्ट गेम फिर से ओपन हो जाता है, लोडिंग होता है और यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट से यहाँ पर कनेक्टिंग हो जाता है। तो दोस्तों फाइनली अपने फ्रेंड को ऐड करने का ऑप्शन हम लोग को यहाँ पर मिल जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर दिख रहा है इंटर योर गेमर टैग। तो दोस्तों जो भी आईडी है, जो भी आईडी मैंने क्रिएट किया, जैसे मैंने क्रिएट किया वैसे ही सबको ही ऐसा करके क्रिएट करना होता है, अपने फ्रेंड को भी ऐसा करके आईडी को क्रिएट करना होता है। तो वो जो आईडी जैसे हम लोगों को क्रिएट करेंगे अपने फ्रेंड जैसे वो क्रिएट करेंगे, वो जो फ्रेंड का आईडी है सिंपली आपको यहाँ पर ऐड फ्रेम पे आपके आपको यहाँ पर सिंपली जो कि
टाइप कर देना है, उसके बाद गो पे क्लिक करना है। और जैसे अपने टाइप करेंगे, गो पे क्लिक करेंगे, अपना जो भी फ्रेंड है आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको सिंपली ऐड फ्रेंड पे हम लोग को क्लिक कर लेना होगा। जैसे हम लोग यहाँ पर ऐड फ्रेंड पे क्लिक करेंगे, वो जो फ्रेंड है अपने फ्रेंड लिस्ट में ऐड हो जाएगा। तो दोस्तों अभी बात करते हैं इसी जो फ्रेंड है, इसी फ्रेंड के साथ हम कब खेल पाएंगे, कैसे खेल पाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों इसके लिए कुछ कंडीशन होता है जो मैं आपको बताऊँगा। एग्जाम्पल मान लीजिए ये हमारा आईडी है, ये हमारा जो माइनक्राफ्ट गेम है, तो गेम को मैंने ओपन किया हूँ अपने फ्रेंड के साथ खेलने के लिए। यहाँ पर हम प्ले पे क्लिक करेंगे सबसे पहले, ठीक है। और दोस्तों प्ले में क्लिक करने के बाद अगर वो फ्रेंड अगर ऑनलाइन पे नहीं है तो यहाँ पर जो फ्रेंड लिस्ट में आपको नहीं दिखाई देगा। अगर वो जो फ्रेंड है अपने ऑनलाइन पे है, अगर ऑनलाइन पे वो खेल रहा है, ठीक है, तब भी जो अपने जो ये जो फ्रेंड का लिस्ट है यहाँ पर आप लोग को दिखाई देगा। जैसे दोस्तों मैंने दूसरा मोबाइल से अपना जो फ्रेंड के मोबाइल से उनको बोला हूँ कि आप अभी खेलो, तो उसने जैसे खेला तो हमको यहाँ पर देख सकते हो अपना फ्रेंड लिस्ट में एक बंदा अभी ऑनलाइन पे है, तो यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। तो दोस्तों अभी यहाँ पर हम फ्रेंड में टच किया हूँ, तो ये जो प्रियंका 99 उनका जो वर्ल्ड है उसके वर्ल्ड पर हम विजिट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो प्रियंका 99 है इसमें हम क्लिक करेंगे, और सो यहाँ पर क्लिक करने के साथ वो अभी इसी वर्ल्ड में खेल रहा है, ठीक है। अभी मैं इसमें क्लिक करके उसके वर्ल्ड में हम जा सकता, उसके वर्ल्ड में हम खेल सकते। तो फटाफट मैं यहाँ पर क्लिक कर दिया हूँ, तो यहाँ पर कनेक्टिंग हो रहा है, मल्टीप्लेयर गेम यहाँ पर कनेक्टिंग हो रहा है दोस्तों, ठीक है। लोकेटिंग सर्वर, लोडिंग रिसोर्सेस, कुछ यहाँ पर लोडिंग रिसोर्सेस होता है। और दोस्तों फाइनली आप देख सकते हो अपने फ्रेंड के पास यहाँ पर मैं आ चुका हूँ, पहुँच चुका हूँ। तो दोस्तों इस तरह से बहुत ही आसान से अपने फ्रेंड के साथ आप इस तरह से बहुत ही आसान से आप ऐड कर सकते हो, और ऐड करने के बाद इस तरह से आप खेल सकते हो। दोस्तों इसमें आपको सिर्फ एक ही बात आपको कुछ चीज़ आपको यहाँ पर रिकमेंड होता है। जैसे दोस्तों यहाँ पर सेम वाईफाई होना चाहिए, सेम इंटरनेट होना चाहिए, जो भी वाईफाई से अपने फ्रेंड को भी आप उसकी उसी वाईफाई से अपने कनेक्शन होना चाहिए, तब भी जाके काफ़ी आसान से अपने एक साथ आप खेल सकते हो। फ्रेंड तो ऐड आप ऑनलाइन पे आप तो ऐसे ही ऐड कर सकते हो, वो तो उसमें कोई सेम वाईफाई का ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब भी आप एक साथ आप खेलने जाओगे तो सेम वाईफाई होना चाहिए। यही एक रिकमेंड है जो कि मैं आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि मैंने देखा हो, मैंने काफ़ी बार मैंने ट्राई किया हो अपना इंटरनेट का, उनका इंटरनेट का से मैंने काफ़ी बार ट्राई किया हूँ लेकिन नहीं हो पा रहा है। लेकिन उसके लिए भी मैं पूरा एकदम कॉन्फर्म नहीं हूँ, लेकिन फिलहाल आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप अगर आप सेम वाईफाई से दोनों फ्रेंड अगर सेम वाईफाई से कर रहे हो तो आप खेल पा रहे हो, और अगर आपने सेम वाईफाई से नहीं कर पाए तो क्या आप नहीं खेल पा रहे हो। तो ये मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना गाइस, ताकि सबको पता चले, ठीक है। तो मेरा काम था जो भी यहाँ पर अपने फ्रेंड को कैसे आप ऐड कर सकते हो, कैसे अपने आईडी को क्रिएट कर सकते हो, और अपना फ्रेंड को कैसे अपने एक साथ आप खेल सकते हो वाईफाई के द्वारा। तो ये सभी जो चीज़ इस तरह से बहुत ही आसान से अपने फ्रेंड के साथ आप खेल सकते हो, अपने फ्रेंड को अपने माइनक्राफ्ट गेम पर आप ऐड करके आप खेल सकते हो, ठीक है दोस्तों। दोस्तों मैंने YouTube पे काफ़ी सारा वीडियो देखा, इस तरह का वीडियो बहुत ही मैंने कम ही देखा हो जो भी एकदम डायरेक्टली बताता है ऐसे करके आप ऐड कीजिए। लेकिन पहले का जो पार्ट होता है, न्यू यूज़र एकदम न्यू जो भी बंदा ऐड करेंगे तो उसका जो पार्ट होता है वो पार्ट को क्लिप को मैंने काफ़ी कम देखा हो, जैसे लॉग इन करना, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएंगे, वीडियो पसंद आएंगे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना गाइस, और मेरा इंस्टाग्राम आके स्टार्ट करो चाहे तो मेरे को वहाँ पर मैसेज करके कुछ बातचीत भी कर सकते हो। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।